हिमाचल प्रदेश में पहली बार विदेशी खेल कजाक कुरेस को लेकर पहले इवेंट और परिचायक कार्यशाला का आयोजन ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर इस खेल के एशियाई तकनीकी प्रमुख हरीश त्यागी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इस खेल से जुड़ने वाले सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के साथ मुलाकात करते हुए न केवल खेल की बारीकियों के बारे में बातचीत की अपितु उन्होंने इस खेल को खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए शानदार अवसर भी करार दिया। त्यागी जी, एक नई गेम जो है वो लॉन्च हुई है और आज हिमाचल में उसका सेमिनार रखा गया है, क्या कहना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं कि कजाक कुरेस जो गेम है ये बहुत पुराना गेम है। इसको इंट्रोड्यूस अब किया गया है। ये नियर अबाउट 2000 साल पुराना गेम है। रशियन बेस्ड गेम है। जूडो और रेसलिंग इसका कॉम्बिनेशन है। बहुत इंटेलिजेंट गेम है, पावरफुल गेम है। इसमें 2016 में मैंने इंडिया से रिप्रेजेंट किया, रशिया जाके कजाकिस्तान जाके किया और सेकंड इसमें ट्रेनिंग ली, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया और इंडिया की तरफ से एक अच्छा रिप्रेजेंट दिया। उसके बाद मैंने इसको इंडिया में रिप्रेजेंट किया, यहाँ डेवलप किया और एक फेडरेशन के माध्यम से हमने इस गेम को काफ़ी अच्छे लेवल पे, अभी इस गेम में लेटेस्ट हमारी टीम जो है वो नोमेड गेम में जा रही है और जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में जा रही है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारा मेडल है, एशिया में हमारे मेडल हैं। आज रिज़ल्ट हमारे पास बहुत अच्छा है। इंडिया में मेरे नियर अबाउट 24 स्टेट्स मेरा अलाइंस है और बहुत अच्छा ग्रो गेम कर रहा है। अभी लेटेस्ट और एक न्यूज़ है कि वर्ल्ड पुलिस गेम और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दोनों ही हम पार्टिसिपेट करने जाने 2024 में। तो क्या मानते हैं नए खिलाड़ियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद ये गेम साबित? देखिए, किसी भी कंट्री में जब कोई गेम इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहले वो चीज़ देखी जाती है कि जब नया गेम आता है तो सबसे ज़्यादा उसमें टेक्निकल हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से उसमें इम्प्रूव करें। हमारा इम्प्रूवमेंट ये है कि आज जैसे हम 2016 में हमने इंट्रोड्यूस किया था, आज हमारे पास 3 से 4 इंटरनेशनल रेफरी हैं, 5 रेफरी हैं और 3 से 4 वर्ल्ड और एशिया लेवल के हमारे प्लेयर्स हैं। तो जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी न्यू गेम है, एशिया में हम काफ़ी अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं। साउथ एशिया में हम 100% डोमिनेट कर रहे हैं। एशिया में हमारा काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। हमारे बच्चे 6th है, 4th है, 5th रैंक पे हैं और काफ़ी, जिसमें कि कोरिया है, जापान है, कजाकिस्तान है, जो टफ कंट्रियाँ हैं एशिया में, हम उनके साथ अच्छा करते हैं। चाइना है, तो हमारे रिजल्ट उनके साथ बहुत अच्छे हैं। उसमें बड़ा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस है हमारी और सभी बच्चे हमारे जितने भी हमारे बच्चे इस टाइम हमारे नेशनल में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लगभग अच्छे जो है ना।